बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 3 हम लोग बेटे पढ़ रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 3.2 हम लोग कर रहे हैं। उसका सवाल नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं और उसके हमने पहले 5 जुज कर लिए हैं। पहले 5 जुज में हमने क्या किया है, हमने सनाई निज़ाम के यानी बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन यानी जमा, तफरीक और ज़र्ब, ये 3 चीज़ें हमने पहले 5 जुज में की। आगे जो सवालात हैं आज हम लोग करेंगे बेस 5 जो नंबर सिस्टम है, असास 5 का अददी निज़ाम, उसकी जमा तफरीक, ये दो चीज़ें करेंगे। तो जुज नंबर मैं आपको 7 करवा रहा हूँ, जुज नंबर 6 मैं आपको नहीं करवा रहा, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि दोनों एडिशन के हैं। जुज नंबर 6 और 7 दोनों जमा वाले हैं, तो 7वां मैं आपको करवा देता हूँ। 6ठा जुज आपने खूब करना है, वो भी एडिशन वाला ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी पार्ट नंबर 7। तो ये हमारा सवाल है, ये मैंने हल करने के लिए इसको लिख लिया है। अब इसको जमा करते हैं बेटे, साथ में आपने एडिशन का साइन लगाना है। 2 + 4 क्या होता है बेटे, 6। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये किस नंबर सिस्टम के नंबर्स में दिए गए हैं, ये बेस 5 नंबर्स, ये बेस 5 का नंबर सिस्टम है। तो बेस 5 के नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स आते हैं, 5, 0, 1, 2, 3, 4, बस 4 से आगे हमें जाना ही नहीं है। और 2 + 4 क्या आ रहा है, 6। लेकिन अब इसमें तो 6 आता नहीं इस सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे, 6 को 5 पे डिवाइड करेंगे बेस के ऊपर। 5 × 5 = 1 रिमाइंडर। तो बेटे हमारे पास आंसर क्या आया, 1 1। 6 = 1 1, 6 = 1 1। अब 1 1 का क्या लगेगा, इसलिए 1 लगेगा और 1 जो है वो कैरी चला जाएगा, समझ आई। 2 + 1 = 3, 1 + 1 = 2, यानी 0, 1, 2, 3, 4 यहां तक जो डिजिट आएंगे वो हमें वैसे लिख लेने हैं। 0 + 0 = 0। अब 4 + 3 आ रहा है 7, तो 7 तो इस नंबर सिस्टम में आएगा ही, तो 7 को भी हम क्या करेंगे, 7 को लिखकर 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 × 5 = 2 रिमाइंडर। तो बेटे हमारे पास आ गया 1 2, तो 2 लगेगा। 1 2 में से क्या लगता है, राइट साइड का डिजिट लगाते हैं, तो 2 लगा लेना और 1 कैरी चला जाएगा। 3 + 1 = 4, 4 + 2, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 6 = 1 1। बेस है सारे की बेटा जी 5। लेकिन जी ये हमने क्या किया है, बेस 5 के नंबर सिस्टम्स को ऐड करना हमने सीख लिया है। अब हम करेंगे जिस नंबर 8 यानी के सब्ट्रैक्शन यानी के तफरीक करेंगे हम लोग। जिस नंबर 8 में आठवीं जिस में बेटे हम लोग सीखेंगे कि बेस 5 नंबर सिस्टम के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट यानी कि तफरीक कैसे करते हैं, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब 1 में से तो 2 माइनस भी ना हम लोग कर सकते हैं, 1 में से 2 माइनस नहीं कर सकते हम लोग। अब क्या करेंगे, 0 से कैरी नहीं आ सकता, इस 0 से, इस 0 से, इस 0 से कैरी नहीं आ सकता, इस 1, ये 1 कैरी जाएगा, ये 1 कैरी जाएगा इधर, ये बन जाएगा 10। लेकिन 10 तो जो है इस नंबर सिस्टम में आता ही नहीं है। बड़े याद रखिएगा 10 बेसिकली 5 के इक्वल है। कैसे, 5 को जब आप 5 पे डिवाइड करें, हाँ 5 × 5 रिमाइंडर 0, तो 5 = 1 0, तो 1 0 बेसिकली 5 है, 1 0 बेसिकली 5 है। और इसी तरह अगर डबल 1 आ जाए तो वो बेसिकली 6 है। कैसे, 6 को 5 पे डिवाइड करें, 5 × 5 = 1 रिमाइंडर, तो 1 1 = 6। इस तरह से है। अब यहाँ पे 1 कैरी जाएगा, बनेगा 10, लेकिन बेसिकली ये 10 नहीं है, ये 5 है। अब इस 5 में से यहाँ कैरी आ जाएगा, ये रह गया 4। अब यहाँ पे कैरी आया, ये बन गया 10, अब 10 नहीं है, ये 5 है। अब इस 5 में से कैरी इधर चला जाएगा, ये 4 रह गया, तो जब ये 10 बनेगा तो ये भी 5 है, बेसिकली 10 5 है। तो 5 से कैरी इधर चला गया, ये भी 4 रह गया, ये 10 है, 10 नहीं है, बेसिकली ये 5 है। तो इधर इस 5 से भी कैरी चला गया, ये 4 रह गया और ये हो गया 11। 11 किसके इक्वल है, बेसिकली 6 के, तो ये 6 है। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा बेटा जी, इसकी समझ आई है। दोबारा से देखें, जब 1 कैरी जाएगा बनेगा ये 10, लेकिन 10 जो है इज इक्वल टू 5 है क्योंकि बेस 5 नंबर सिस्टम है, तो 10 तो होता ही नहीं इसमें, तो 10 इज इक्वल टू 5, 11 इज इक्वल टू 6। इस तरह से चलें जी। अब ये 4 है, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 निकाले 1, 4 में से 3 निकाले 1, ये ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैरी चला गया। लो जी ये हमने क्या कर लिया बेटा, हमने बेस 5 नंबर सिस्टम की सब्ट्रैक्शन सीख ली।
नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।